subscribe, and hit the bell icon, and never miss another video. Do you think feminists only support women and not men? Huh. आप अपने आपको feminist बुला पाएंगे? Yes, I am a feminist. No. Hi, I'm Zeeshan Azad. मेरा नाम है पतुल और हम गए मुंबई शहर में to ask men about this very well-known concept called feminism. Or is it well-known? So, should get into it. Have you guys heard of this term called equality of the sexes? Equality of sexes. Yeah. उसका एक word है जो use होता है, वो word पता है क्या है? Equality of sexes. नहीं, एक word होता है, किसी को पता है यहाँ पे? Equality. Equality of sexes के लिए एक word use करते हैं, वो word क्या है पता है? तुमने feminism के बारे में सुना है? The word feminist, feminism. उसका मतलब पता है किसी को? जो मीन्स लड़की लोग के साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग खड़े सब फेमिनिस्ट लोग खड़े हो जाते हैं कि यार ये तो लड़की थी इसके साथ ऐसा क्यों हुआ बट वही जब लड़के के साथ होता है तो फेमिनिज्म लोग नहीं आते उस टाइम पे फेमिनिस्ट लोग आई एम नॉट श्योर नारीवादी का अर्थ हमें समझा सकते हैं क्या आप नारीवादी का अर्थ ऐसा है जो अपना खुद के बल पे नागरिकत्व चलाती है दूसरे को मदद करती है दूसरे को भी संभाल के लेती है फेमिनिज्म वही वुमेन्स का मतलब एक ही जैसा दर्जा दिया जाएगा वी ट्रीट एवरीवन इक्वल या तो मैंने तो कभी सुना ही नहीं मतलब ऐसा कोई के मीम्स में या ऐसा कोई थॉट्स और से उस पे देखा था मैंने एक दो बार तो थोड़ा ऐसा याद आ गया अभी एक जो मतलब फीमेल्स होती है हाँ. वो ज्यादा करके जो फीमेल्स को ही सपोर्ट करती है इतना मतलब मैंने सुना है बट डू यू थिंक फेमिनिस्ट ओनली सपोर्ट वुमेन एंड नॉट मेन हां मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अच्छा मैं अभी तुम्हारा माइंड ब्लो करूं एकदम फेमिनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस मतलब मैन वुमन और इफ यू आइडेंटिफाई एज एनी अदर जेंडर ऑल्सो इट्स इक्वालिटी फॉर ऑल ऑफ देम एंड इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स इक्वालिटी इन इकोनॉमिक इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पे दैट्स व्हाट फेमिनिज्म इज अबाउट बट कुछ लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं बोल के वो सिर्फ औरतों की इक्वालिटी के बारे में वो तो ऐसा नहीं है वो इक्वालिटी तो सबकी होती है ना इक्वालिटी सिर्फ एक की थोड़ी होगी तो यू मस्ट हैव मेट रॉन्ग पीपल देन है ना आई फील लाइक वी ऑलमोस्ट सॉ देम फीलिंग गिल्टी वंस यू एक्सप्लेन दैट दे वर लाइक वन ऑफ देम सेड ओह वी मस्ट हैव मेट द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल इट्स लाइक आई डोंट नो मेरे पास ये ओपिनियन कहां से आ गया था एक्चुअली व्हाई इज इट कॉल्ड फेमिनिज्म बिकॉज़ वुमेन आर बीइंग ओप्रेस्ड आई बिलीव रूल्स भी है तो लड़कों के लिए अलग रूल्स लड़कियों के लिए अलग रूल्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो रूल्स है हाँ मतलब ऐसे होता है कि कोई कोई लड़की जो होती है जो मतलब उसका फ़ायदा भी उठाते हैं अगर किसी लड़के ने अगर किसी बात में कंप्लेंट भी करे तो उस चीज़ की जांच करके मतलब उस चीज़ का मतलब वो सच में ऐसा हुआ है क्या उसका करके फिर उस पर एक्शन लेना चाहिए आई थिंक सिमिलर सेंटिमेंट्स एग्जिस्टेड इन दिस मूवमेंट कॉल्ड हैशटैग मेन टू या वेरिन व्हिच हैपेंड आफ्टर हैशटैग मी टू सम मेन दैट फेल्ट दैट नाउ दैट वुमेन्स प्रॉब्लम्स आर गेटिंग सो मच अटेंशन and they're getting a lot of support that they could try to like now misuse that so it is like a difficult issue but I think that having conversations like that is inappropriate like that sort of concern can exist in a different space the Me Too was extended to not just women there were men who reported cases about inappropriate workplace behavior consent became such an important part of the conversation because of Me Too all of these things are important for us to evolve But in this, if somebody is trying to butt in and dilute the conversation by saying that, oh, all of this could also lead to this one possibility of me being framed, then that's your insecurities, brother. I'm really sorry. Equality का मतलब ही हो गया बराबरी. बराबरी का मतलब ये हो गया कि आप किसी चीज को, किसी भी आदमी को आप ये करो, support करो तो बराबर support करो. ना कि किसी को एक तरफा मतलब 50% या 60% उसको कर रहा, 40% उसको कर रहा. ऐसा नहीं. You have to give him equality for both. Like a 50-50. आप इक्वालिटी में बिलीव करते हैं? Of course. तो अगर आप इक्वालिटी में बिलीव करते हो तो आप अपने आप को फेमिनिस्ट बुला पाएंगे? No. आदमी बोलने के लिए बोल देता है बट आफ्टर दैट जब बोलने के बाद उसके बाद में उसके डिबेट होने लगता है तो he will be also scared about these things. समझ गए. अभी अगर आपको समझ आ गया कि फेमिनिज्म का असली मतलब क्या होता है क्या आप अपने आप को प्राउडली जाके बोल सकते हैं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ और मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ आई एम फेमिनिस्ट फ्रॉम नाउ नहीं सर बोल सकते हैं आगे जाके ट्राई भी करूंगा अभी तो पूरा नहीं बोल सकते आप बोल सकते हैं बाकी आगे जाके ट्राई करूंगा बनना चाहूंगा फेमिनिस्ट अपने आप को बुलाऊंगा फेमिनिस्ट आई एम अ फेमिनिस्ट तो नाउ डू यू थिंक यू कैन कॉल योरसेल्फ अ फेमिनिस्ट या डेफिनेटली अभी के जैसे लोग हैं तो वो लोग नहीं करते ना हमारे करने से क्या होता है बट आप भी तो चेंज आप भी तो इस देश के आवाम है ना तो अगर आप चेंज करेंगे तो आपसे इंस्पायर होकर और भी लोग चेंज करेंगे अभी हो रहे हैं इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री डेवलप हुई नहीं है दैट्स व्हाट थिंकिंग भी वैसी है डेवलप हुई नहीं है हो रही है बट वो
डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? हमारी है, वी आर इंडियंस. Exactly. We are teenagers, we are younger. Exactly. We are the future of the India. Will you now proudly be able to go out to your friends and tell them that I am a feminist and I believe in feminism? Yes, I am a feminist. Why not? I am a feminist. Yes, I am feminist. And also tell all your friends what feminism means. Yes, I will tell. Awesome. I have converted people. I guess this could be my new day job. Just go around the streets and ask people, are you a feminist, sir? Let me break it down for you. Now, do you think you're a feminist? That'd be a good job for sure. I guess I was a little bit surprised that in 2019, more people hadn't heard the term feminism before. Why I wasn't surprised that a lot of people didn't know what the word meant or if it existed is again, because mujhe bhi kuch saal pehle hi samajh aaya ye. But some of these really like progressive concepts and just like, you know, words and like, you know, these heavy terminologies are not something that's part of my everyday vocabulary. And bhai, haal sabke bhi hain. So if you really believe in equality, then yeah, there are enough ways for you to educate yourself. And it doesn't even have to start with the internet. It can just start with you having conversation with, you know, a few people around you just to know, okay, chal kya raha hai dost. Hey, if you like this video that we put together for you, please give us a heart, a like, a thumbs up to let us know that you liked it. And tell us in the comments what other burning questions you'd like us to ask men. And men, if you have any burning questions for women, please send them in. And we'd probably like to hit the streets again and probably talk to some women this time.